वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ शंभू और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल सैम। तो फ्रेंड्स, आज मेरे हाथ में एक ओप्पो का सेट है जिसका मॉडल है ओप्पो A5। इसका CPH नंबर जो है 1809 है, आप लोग देख सकते हो। ये एक ओप्पो A5 सेट है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है, देखिए आप लोगों के सामने मैं सिम इंसर्ट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर सिम डिटेक्ट नहीं कर रहा है, अभी तक नो सिम कार्ड दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सेटिंग में जाकर ड्यूअल सिम, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, कुछ भी शो नहीं हो रहा है। अच्छी तरह से देखो आप लोग, कुछ भी शो नहीं हो रहा है, सिम भी इंसर्ट है इसमें। तो फ्रेंड्स, इसका जो प्रॉब्लम है, ये हार्डवेयर इशू है, ये कोई सॉफ्टवेयर इशू नहीं है। मैं आप लोगों को आज दिखाने वाला हूँ, ऐसा प्रॉब्लम अगर आता है तो आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो। ऐसा प्रॉब्लम ओप्पो की दूसरी मॉडल में भी आ सकता है और दूसरी कंपनी का फ़ोन में भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरा दिखाने वाला हूँ कैसे आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स, आप अभी रेगुलरली आप लोगों को वीडियो मिलेगा, क्योंकि कुछ दिन से मेरा प्रॉब्लम था, उसीलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। अभी डेली आप लोगों को वीडियो मिलेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर नेटवर्क एंटेना जम्पर किया हुआ था, तो जम्पर को खोल लेते। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोगों को सिम कनेक्टर की जो पिन होता है उसको चेक करना है कि सही सलामत है कि नहीं, कोई पिन टूटा हुआ है कि नहीं। तो मैं स्टिकर को फटाफट उठा लेता हूँ और आप लोगों को माइक्रोस्कोप में दिखाता हूँ इस सिम कनेक्टर की पिन सब सही सलामत है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो सिम कनेक्टर का सभी पिन सही सलामत है, कोई भी पिन टूटा हुआ नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो सारी पिन सही सलामत है। तो फ्रेंड्स, चलिए फटाफट से काम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे जो एक्सपीरियंस है उससे इसका काम कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से इसमें RF जो IC होता है वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसी के लिए जो इंसर्ट सिम प्रॉब्लम है वो हो रहा है। तो आप लोगों को कैन उठा के किस जगह पर RF IC है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कौन सी IC RF IC है। और तो फ्रेंड्स, इस कैन को खोलना है, इसके नीचे RF IC है। तो फ्रेंड्स, कैन उठाने के वक्त आप लोगों को बहुत ही सावधानी से उठाना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर ज़्यादा हीट पड़ जाता है या ज़्यादा एयर पड़ जाता है तो पार्ट्स जो है बोर्ड से उड़ सकता है, और ज़्यादा प्रेशर होने से आपका जो IC के नीचे बॉल है वो उखड़ सकता है। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा और आपको आहिस्ता आहिस्ता हीट देकर, ज़्यादा प्रेशर नहीं, आराम से आपको कैन को उठाना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है इसमें फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हो RFIC जिसको हम लोग WTRIC के नाम से पहचानते हैं। तो फ्रेंड्स यही है RFIC या WTRIC। तो फ्रेंड्स इस WTRIC का नंबर जो है 2965 है। तो फ्रेंड्स इस IC को हम लोगों को चेंज करना है। तो फ्रेंड्स किसी भी IC को चेंज करने से पहले आप लोगों को अच्छी तरह से IC का जो मार्क पॉइंट है उसको देख लेना है किस तरफ है, ठीक है ना। वही मार्क पॉइंट को देख के आप लोगों को IC लगाना पड़ता है। और अगर आप लोग भूल जाते हो तो उसकी सुविधा के लिए आप लोग मार्कर से जिस तरफ नोज पॉइंट है, मार्क पॉइंट है, उस तरफ आप लोग मार्कर से एक पॉइंट कर सकते हो ताकि आप लोग बाद में समझ सको इस तरफ नोज पॉइंट या मार्क पॉइंट था। तो फ्रेंड्स मैं वीडियो में आप लोगों को सबसे इजी प्रोसेस से दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो IC के ऊपर थोड़ा फ्लेक्स देना है और इसको हीट करके उठाना है। तो फ्रेंड्स किसी मदरबोर्ड में अगर आप लोग IC का काम कर रहे हो तो आप लोगों को हीट और एयर का प्रॉपर नॉलेज रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हीट यूज़ करते हो तो आपका मदरबोर्ड डैमेज हो सकता है, आपका IC भी डैमेज हो सकता है, और ज़्यादा एयर से आप लोगों का जो कंपोनेंट्स है वो खुल जा सकता है, उड़ सकता है। तो आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है, हीट और एयर को सही से इस्तेमाल करना है। ज़्यादा टाइम लगेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा हीट देने से आप लोगों का बोर्ड IC ख़राब हो सकता है। मेरे हॉट गन में जैसे आपका 230 डिग्री सेल्सियस हीट है और एयर जो है 45 में, तो आप लोगों के हिसाब से आप लोग एयर और हीट को एडजस्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स हमेशा एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा IC का काम करने के वक्त, IC के नीचे जो फोल्डर रहता है वो आप लोगों को अच्छी तरीके से साफ करना है डी सोल्डरिंग वायर की मदद से। आप लोग जितना अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे IC उतनी अच्छी तरीके से इसमें बैठेगा। तो फ्रेंड्स IC अगर अच्छी तरीके से बैठ जाएगा तो आपका जो काम है 100% सक्सेस होगा। तो अच्छी तरीके से साफ हो चुका है, अभी यहाँ पर फ्लेक्स देकर IC को लगाना है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स आप लोग WTR 2965। फ्रेंड्स यहाँ पर फ्लेक्स देना है। फ्रेंड्स IC का जो मार्क पॉइंट था वो इधर था, हमने मार्कर से मार्क करके रखा था, तो उसी हिसाब से IC को बैठाना है। इधर देख सकते हो आप लोग मार्क पॉइंट इधर है।
फ्रेंड्स एआर जो है ज़्यादा रहना नहीं चाहिए, एआर ज़्यादा रहेगा तो आईसी जो है उड़ जाएगा, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान में रखना है और आहिस्ता आहिस्ता रीहॉट करना है। तो फ्रेंड्स आईसी लग जाने के बाद ऐसे आप लोगों को आहिस्ता करके हिलाना है। और फ्रेंड्स कुछ देर छोड़ देना है ऐसे ही ठंडा होने के लिए। फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो चुका है, सिम को लगाता हूँ और चेक करता हूँ जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप लोग नेटवर्क जो है नेटवर्क आ चुका है और हमारा जो नो सिम का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।